नशा के सौदागरों को पकड़ने में पतरातू पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सीडीपीओ वीरेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे पतरातू थाना प्रभारी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि न्यू मार्केट स्थित मॉडर्न ड्रेस नामक दुकान में स्मैक हेरोइन बेची जा रही है। वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए सीडीपीओ पतरातू वीरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मॉडर्न ड्रेसेस नामक इस दुकान में छापेमारी किया गया तथा उक्त दुकान के संचालक विक्की कुमार श्रीवास्तव के पास से 9 ग्राम स्मैक हेरोइन तथा उसे तौलने का इलेक्ट्रॉनिक मशीन बरामद किया गया। अग्रतर कार्यवाही में विक्की कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि वह स्मैक हेरोइन पूरा गेट निवासी सुजीत राम के पास से खरीदा है। छापेमारी दल के द्वारा सुचित राम को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके द्वारा उक्त स्मैक हेरोइन बेचने की बात बताई गई है, जहां उसने कहा कि उक्त स्मैक हेरोइन को क्षेत्र में बेचने की तैयारी थी। पतरातू से जयकिशन पाठक की रिपोर्ट। प्रभारी पतरातू को सूचना मिली कि न्यू मार्केट का एक मॉडर्न ड्रेसेज दुकान है, जहां पर कपड़े के साथ साथ ड्रग्स का भी बेचता है। इसकी जानकारी हमें दी गई और हम लोग हमारे निर्देशन में छापेमारी की गई, तो वहाँ पर विक्की कुमार श्रीवास्तव नाम का लड़का मिला, जिनके पास 9 ग्राम लगभग इसको क्या कहते हैं स्मैक या हेरोइन बरामद हुआ। और उनसे पूछताछ करने के बाद उन्होंने बताया कि ये मैं गुरकुंडा के सुजीत राम से लेते हैं, और सुजीत राम भी पिछले बार भी वो सुजीत राम को हम लोग ड्रग्स के साथ भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ सुजीत राम को गुरकुंडा से पकड़ा था। और अभी ये दोनों जो अपराधी भी जिसको हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं, दोनों लगातार कई केसों में मतलब इसमें इन्वॉल्व रहा है। मतलब इन लोगों का आपराधिक इतिहास पहले से है। हाँ, पहले से।